क्लास टेंथ बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन में लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दो डाइस को एक बार फेंका जाता है, और मेरे को जहां तक लगता है कि प्रोबेबिलिटी से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो टू डाइस पे ही आपको क्वेश्चन देखना हुआ मिल देगा आपको, तो टू डाइस के साथ आप फैमिलियर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये ना वन डाइस में आप देखते हो एकदम सिंपल सा आंसर आ जाता है, 1/2, 1/2, ज्यादातर तो 1/2 आता है, नहीं तो अगर इधर उधर होगा तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आता है, तो इस टाइप से एकदम सिंपल सा है। इससे थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि सैंपल स्पेस इसका बढ़ जाता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज इतना है? इसके लिए सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना होगा, तो आइए सैंपल स्पेस लिखते हैं। दो डाइस को रैंडमली फेंका जाता है, मतलब एक साथ फेंका जाता है, तो क्या होगा, 1/1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, 1/3, यानी कि फर्स्ट डाइस पे 1 है, दूसरे पे 1 है, फर्स्ट डाइस पे 1, दूसरे पे 2, फर्स्ट डाइस पे 1, दूसरे पे 3, उसी टाइप से क्या 1/4, और उसी टाइप से क्या 1/5, और उसी टाइप से क्या 1/6, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा करते हैं ना, फिर 2/1, 2/2, 2/3 इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि मैं सैंपल स्पेस को लिख लेता हूं पहले, तो हमने यहाँ पे सारा का सारा सैंपल स्पेस लिख लिया है, वही 1/1 और यहाँ तक 6/6 तक हमने टोटल लिख लिया है। टोटल अगर नंबर के बारे में बात करें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो 1 का 6, तो टोटल 6 का कितना होगा, 36 है ना, टोटल नंबर आप काउंट कर सकते हो, या 6 है तो 6, 12, 18, 24, 30 और 36 इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ए क्वेश्चन पार्ट पे। क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8, यानी कि दो नंबर को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 6 और 7, यहां देखो 2 और 6 को ऐड करोगे कितना होगा, 8 होगा, 5 और 3 को ऐड करोगे कितना होगा, 8 होगा, 4 और 4 को ऐड करोगे कितना होगा, 8 होगा, 5 3 को ऐड करोगे कितना होगा, 8 होगा, 6 और 2 को ऐड करोगे कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा, 8 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, दैट इज 5, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, दैट इज 36। तो ये आंसर हो गया हमारा ए पार्ट का। बी पार्ट का क्या होगा, द सम ऑफ द टू नंबर 13, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो काउंट करेंगे 13 कितना था, अगर मैक्सिमम देखें तो 6 और 6 12 ही आएगा, उसके नीचे तो 11 है, 10 है, 9 है, मतलब ये सब कम है, मैक्सिमम तो 12 है और हमसे पूछा कितना, 13 आने का प्रोबेबिलिटी, गजब बकवास कर रहा है, यानी कि कितना होगा, एक भी नंबर ऐसा नहीं है, डिवाइड बाय 36 यानी कि 0। और इस टाइप्स के सेट को, इस टाइप्स के जब प्रोबेबिलिटी हमारा 0 आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट इसको बोला जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है, हालांकि पूछा नहीं है, बस बात कर रहा है। लेस देन और इक्वल्स टू 12 के इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तो 12 के इक्वल 6, 6, 12 होगा और बाकी जितना वैल्यू है वो तो सब कम है। देखिए एक और एक कितना होगा, 2 होगा, तो 12 से तो कम है ना, तो लेस देन हमें सिंपली बोला है, तो सी में आप वही लिख लोगे, लेस देन और इक्वल्स टू 12, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है पूरा, ये सारा का सारा आप लिख लोगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 36/36 कितना हो जाएगा कैंसल होने के बाद, 1, और जब प्रोबेबिलिटी 1 आए तो ये क्या होता है, श्योर इवेंट, क्या होता है, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट इसको बोला जाता है, हालांकि इवेंट के बारे में हमसे पूछा नहीं है, हमसे बस उसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है टू डाइस वाला बहुत अच्छे के साथ, आई होप कि फैमिलियर हो चुके होंगे टू डाइस के साथ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो सकता है, दैट इज 36। तो ये सब बातें आप याद रखोगे टू डाइस, और ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है या यूं बोले कि श्योर और सर्टेन इवेंट है, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी 1 है कि 2 डाइस वाला ही क्वेश्चन दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन में। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन के साथ। यहां पे हमारा सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो जाता है, अब सेक्शन डी में चलेंगे जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर फर्दर मूव करेंगे हम लोग केस बेस्ड प्रॉब्लम में। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।